गेमर्स, माय नेम इज वेबो। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम फिर से एक बार खेलने वाले इंटरनेट कैफे सिमुलेटर। ओ बॉय, लेट्स गो। आज बहुत सारी बिटकॉइन माइनिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम वो सारे के सारे जितने भी मशीन्स हैं उनको परचेस करने वाले हैं एंड भाई लाखों रुपए कमाने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो जब तक हमारी लिफ्ट ऊपर आ रही है। आप लोगों को पता है क्या कर रहा है? देखो अभी लिफ्ट ऊपर आएगी, लिफ्ट ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तब तक के लिए दरवाज़ा बंद करते हैं। घर के अंदर की भी लाइट मुझे ना बंद करवानी। एक सेकेंड, घर के अंदर का स्विच कहाँ पे है? हेलो, स्विच कहाँ पे है? यहाँ का आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई स्विच है। अगर मैं यहाँ से बंद करता हूँ तो नहीं, ये इधर की बंद होती है आई थिंक। नो, घर के अंदर का स्विच पता नहीं कहाँ पे है। लेट्स गो, एलिवेटर ऊपर आ गया। दरवाज़ा जल्दी से बंद करो एंड जल्दी से ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं। ओ भाई, लेट्स गो, अपने कैफे पर चलते हैं। और कैफे पर जाने से पहले थोड़े से स्प्रे बाय कर लेते, क्योंकि मेरे पास स्प्रे है नहीं है, बट आई गेस ये खत्म हो चुके थे। काम करता एक लेकर ही चलता हूँ मैं, क्या पता भाई वहाँ पर आकर इसकी ज़रूरत भी पड़ जाए। एंड आज मुझे उस बेगर से भी थोड़ी सी बात करनी। हेलो सर, अब देखते हैं क्या करता है। ड्यूड, देयर इज अ इंटरनेट कैफे ओनर इन द सिटी हु डजंट लिसन टू माय वर्ड। ओ, तो जो हमारे घर के नीचे रहता है ये उसकी बात कर रहा है। एवरीवन इज इन द सिटी लिसन टू माय वर्ड। व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज प्लेस देयर बगिंग डिवाइस अंडर द डेस्क। ओह, इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग वेर यू लिव। ऑफ कोर्स, तो प्लेस द बग बिहाइंड द राइवल इंटरनेट कैफे टेबल। बट ये बग क्या होता है? मेरे को पता नहीं ये बग क्या होता है भाई। बग क्या होता है भाई? आई डोंट नो ये बग क्या होता है। एक सेकेंड, सबसे पहले अपने कैफे पर चलते हैं और अपने कैफे को ओपन करते हैं। तो मुझे उसने बोला है कि मुझे उस कैफे के अंदर जाना पड़ेगा, उस सेकेंड शॉप के अंदर, एंड वहाँ पर जाकर एक टेबल के अंदर बग रखना है। तो मुझे मे भी वो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले अभी कैफे के अंदर थोड़ा सा स्मेल वगैरह छिड़का देते हैं। हेलो नताशा, गुड मॉर्निंग। हेलो रोमियो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऊपर जाके भी थोड़ा सा मैं ये छिड़क देता हूँ, जमीन छिड़का देता हूँ। लेट्स गो ऊपर। यस, एंड आज हम यहाँ पर अपना भाई VVIP रूम बनाने वाले हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ VIP लोगों के लिए हमारा ये वाला ऊपर का हमारा थर्ड कमरा रहने वाला है। तो ये बग किस खेत की मूली मुझे एक बार देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपना कैफे ओपन करते हैं। यहाँ पर बस लिखा आ रहा है कि प्लेस द बग बिहाइंड द राइवल इंटरनेट कैफे टेबल। बट ये बग क्या है? आई गेस कोई बॉम्ब है। अभी मेरे पास लगभग $40,000 है, तो बिल सबसे पहले एक सेकंड पे कर लेते हैं। तो भाई $600, ओके, क्लीनिंग एंड कूलर का भी $600 रहते। काम करता हूँ, अभी मैं जल्दी से उस जगह पे चलता हूँ, सेकंड फ्लोर पर। वहाँ पे जाकर देखता हूँ कि एक्चुअल में ये बंदा मेरे से क्या करवाना चाहता है। अभी मेरे को ले चल सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे वो बंदा रहता है जहाँ पर हमारा इंटरनेट कैफे है। मैं भी वहाँ पे कुछ सीन होने वाला है, तो काम करता हूँ। यहाँ से मैं अपनी स्टिक अपने हाथ में रख रहा हूँ एंड लेट्स गो। ओके, हेलो सर, ये डेस्क के नीचे बग कहाँ पर रखना है? तो यहाँ पर हमको किसी के टेबल के नीचे कुछ, ओके एक सेकेंड, प्लेस लिसनिंग डिवाइस। क्या हो गया कुछ तो? एक सेकेंड, आई गेस मैंने कुछ तो नीचे रखवा लगा दिया। ओके, एक सेकेंड, तो मैंने इसे नीचे झुका और यहाँ पर ऑप्शन आया था कि एक वो डिवाइस नीचे रख दो। तो आई गेस डिवाइस नीचे लग चुका है। यहाँ पर भी ये भी आ गया कि टॉक टू बेगर। ओके, एक सेकेंड, जल्दी से मैं नीचे चलता हूँ एंड उस बेगर से भी उनको बात करनी है। भाई जल्दी से मेरे को नीचे लेकर चल। ई टू टॉक, थैंक्स अ लॉट मेट, हियर्स अ लिटिल गिफ्ट फॉर यू। ओके, $400 के लिए यही डिवाइस प्लेस करना था। ओके भाई, अभी ठीक है, हमने वो डिवाइस प्लेस तो करवा दिया। अभी अपने कैफे के अंदर चलते हैं एंड रिक्वेस्ट आई है, उनको अप्रूव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ओके, धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ। ओके, अप्रूव, वेरी गुड, नाइस। अभी एक काम करता हूँ मैं, अभी सीधा चलते हैं। अरे यार, रिक्वेस्ट आ रही है बहुत सारी। सबसे पहले इन रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं। अप्रूव। ओ, इतनी सारी रिक्वेस्ट। अरे एक सेकेंड सर, मैडम पैसे दे दो। ओ भाई, पांच रिक्वेस्ट एक, इतनी सारी आई है। वेरी गुड, अप्रूव। ओके, ये हो गया है। अभी इसके बाद मुझे जाना है बिटकॉइन माइनिंग वाली मशीन्स को लाने के लिए। ये चोर सबसे पहले निकल इधर से, पागल कहीं के। देन प्लीज़ यार, वहाँ पे वो मशीन्स होनी चाहिए। प्लीज़। यस, अभी है। हेलो मैडम, स्वागत, आई मीन थैंक यू सो मच। अभी ये सारी के सारी यहाँ से BTC माइनर मशीन हम लेंगे एंड अभी हमारी बिटकॉइन की माइनिंग बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। एंड अभी यहाँ पे ये ग्राफिक्स कार्ड बाय करना है, इसको लगा के यहाँ पे इसके अंदर रखना है। E2 F2 प्रेस, प्लेस। ओके, प्लेस कर दिया। उठाओ, इसके अंदर रखो, उठाओ, इसके अंदर रखो, उठाओ, इसके अंदर रखो, उठाओ, इसके अंदर रखो। वेरी नाइस। एंड अभी ये पूरा का पूरा रिक केस उठाओ एंड इसको लेकर चलते हैं। और अभी हमारी माइनिंग बहुत ज़्यादा
तेज होने लगेगी और इससे भाई बहुत सारे पैसे मतलब आ जाएंगे। अगर एक बिटकॉइन भी माइन होता है ना तो भाई उसके हमको पता है $27,000 मिलते हैं। एक सेकंड भाई, कितने सारे पैसे लोगों के पैसे देने के लिए लाइन लगी है एंड रिक्वेस्ट भी आई है। अप्रूव करते अप्रूव कर दिए एंड लेट्स गो अभी। अरे यार एक और आई है, कितनी यार, ये ऑटोमेटिक यार यहाँ पर सिस्टम होना चाहिए कि ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएंगी। अरे यार कितनी, दो और आई है, कोई बात नहीं अभी अभी अप्रूव कर देते हैं, देन हमारा ये माइनर सेट करवा देंगे। लेट्स गो, अभी एक आ रही है बट आई डोंट केयर, अभी यहाँ पर हमको ये BTC माइनर लगवाना है। क्राउच कर लो जल्दी से, सबसे पहले ये मशीन यहाँ पर मैं लगवा देता हूँ, इसको यहाँ पर लगवाना है मुझे, तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा अंदर हो ले भाई, थोड़ा सा ऐसे अंदर होने के ऐसे इसको थोड़ा घुमाओ, एक सेकेंड, ओके। ये भी थोड़ा सा एक तिरछा लगा, या ये आई थिंक मेरे से थोड़ा सा ना तिरछा लगा है, तो मुझे इसको ठीक से लगवाना पड़ेगा ऐसे। नहीं यार यहाँ पे गेम में सारी चीज़ें तिरकी क्यों लगती है, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती। और या अब भी आई गेस ये सीधा लग जाएगा, इसको यहाँ पे रख दो एंड क्यू, या ये थोड़ा सा पीछे, एक सेकेंड, परफेक्ट, या मैंने ये लगवा दिया। एंड अभी हमको यहाँ बस बस ये माइनर मशीन लगवानी है जो कि BTC माइनर है, वो ये बहुत छोटी एंड प्यारी सी मशीन है। वन, इसके बाद ये यहाँ पे टू, इसको एक्टिवेट भी करना है, अरे एक्टिवेट करना है उसको DS1090, ओके ये काम कर रहा है। एंड इस अभी ये ऑफ है, इसको ऑन करना पड़ेगा DS1090, ओके। अभी सारे के सारे जो हमारी मशीन है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, ये भी काम कर रही है ना, या वर्किंग है, ये भी वर्किंग है, इसका स्टेटस वर्किंग है, इसका स्टेटस भी वर्किंग है, एंड ये आखिरी वाली इसका भी वर्किंग है। सो लेट्स गो, सारे के सारे भी हमारी मशीन काम कर रही है। एंड अभी एक बार मैं जाके, ये क्या हो रहा है भाई, ओके इसने रिक्वेस्ट भेजी भाई, चार रिक्वेस्ट हो रही है, सबसे पहले इनको अप्रूव कर देते हैं, अप्रूव। एंड अभी देखते हैं भाई कि बिटकॉइन माइनिंग किस तेजी से चल रही है भाई, $42,000 क्रिप्टो करेंसी। एक सेकेंड, बिटकॉइन भाई माइनस में चल रहा है एंड जो मैंने शेयर्स परचेस करे थे वो भी माइनस में जा रहे भाई। ओ भाई 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 भाई, कितनी माइनिंग हुई है, 0.2% हुई है, बट भाई इनसे आई मीन इतने में कुछ होने नहीं वाला है, ये पूरा बिटकॉइन माइन होने में पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा। एंड अभी माइनर ऐप में देखते अभी क्या हो रहा है, लास्ट टाइम 400 KS का स्पीड था, या अभी 800 है, अभी डबल हो गया, ऑब्वियसली स्पीड डबल हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कुछ ज्यादा हो रहा है, लेट्स गो, अभी धीरे धीरे हो जाएगा, मैं भी दिक्कत क्योंकि अभी बात है नहीं। एक सेकंड, ये किसने नीचे गिरा दिया भाई, यार क्या पागल लोग है यार, हमेशा कुछ ना कुछ नीचे गिरा के जाते हैं भाई। एक बंदा बिना पैसे दिए जा रहा है, ये गधे ने उसको मार दिया। यहाँ पर कितना पैसे हो रहा है, $22, वैसे आई गेस अंधेरा हो रहा है, दैट्स व्हाई ये लोग सो रहे हैं, मीन बाकी ये लोग सो रहे हैं, पैंडा भी चला गया यहाँ से। ओह चार रिक्वेस्ट हो रहा है, अप्रूव करते अप्रूव। अरे हो रुक जाओ यार, इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है, रेटिंग नाइस। अभी देखो भाई, चार चार पाँच पाँच स्टार की रेटिंग आ रही है। अ फन प्लेस, बैड कमेंटेटर्स, इट वॉज कम्फर्टेबल एज माई होम, अ फन प्लेस, कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल, एडवाइस, आई नो एवरीथिंग। 9 ऑर्डर्स आई है, ये ऑर्डर्स तो अभी एक्सेप्ट हो रही है। एंड गाइस और एक चीज़, ये CMD क्या है भाई, वेलकम टू द कमांड प्रोसेसिंग सेंटर, एंटर अ वैलिड कमांड, ये क्या चीज़ है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं इससे क्या होता है, बट देखना पड़ेगा मेरे को। मे भी यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ, मे भी क्रैक बिक ऐसी चीज़ें कुछ कर सकता हूँ मैं। एंड और एक चीज़ मेरे को देखनी है भाई, बिटकॉइन की प्राइस यार कब ऊपर जाएगी। भाई ये माइनस में ही चल रहा है और इस शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है, ये भाई जो मैंने परचेस करा था वो माइनस में जा रहा है, वो -8 में है। एक सेकंड, कोई तो पैसे दे रहा है, सर पैसे दे दो, वेरी नाइस। एंड ये क्रैक क्या है भाई, क्रैक, वेलकम टू द क्रैक वर्ल्ड, एग्जाम्पल ज्वाइन सर्वर फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, अवर IP एड्रेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो ये न्यू IP एड्रेस है, बट ये क्या है, इससे क्या होता है, आई डोंट नो। एक सेकेंड, ये CMD का इससे भी कोई कनेक्शन है तो, एक सेकेंड भाई, मैडम रुको एक मिनट, वेट मिनट, मे बी इससे कुछ होगा, एक सेकेंड, अरे पैसे, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे यहाँ पर ना ये वाला IP एड्रेस डालना पड़ेगा वो क्रैक में, तब जाके मैं भी कुछ होगा। एक काम करता हूँ, मैंने इसका फोटो निकाल लेता हूँ ताकि ये मुझे याद रह सके, 146.35 ऐसा ही कुछ सीन है। तो ये वाला IP एड्रेस मुझे आई थिंक यहाँ पे डालना है, कहाँ पर गया है वो, 146.54, मे भी इससे कुछ होगा, कमांड, ओ यस हो गया। एक सेकेंड, कमांड नॉट फाउंड, भाई क्या बोल रहा है, कमांड नॉट फाउंड बोल रहा है। एक सेकेंड, पैसे सबसे पहले ले लेते हैं, क्या है भैया, हेलो, ये वही है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस अवर IP एड्रेस इज चेंजिंग, ओके भाई। एक सेकेंड, इसके लिए क्या मुझे CD वगैरह इसके अंदर डालनी पड़ेगी, मेरे पास एक CD प्लेयर भी तो है, मेरे पास एक CD थी आई गेस, मैंने कहाँ पर रखी आई डोंट नो, तो यहाँ पर एक CD,
ओह सीडी ड्राइवर भी है यहाँ पे, तो मैं भी मैं इसके अंदर एक सीडी लगा सकता हूँ। ओके ओके ओके, एक सेकंड, तो मैं भी ओके अभी मुझे समझ आ रहा है मुझे क्या करना है। ये चोर को इधर से निकल दे तू, तो मैं भी मुझे एक ना नई सीडी बाय करके उसके अंदर लगानी पड़ेगी, तब जाके मे भी कुछ होगा। सर एक सीडी चाहिए, थैंक यू सो मच फॉर द सीडी। मे भी इससे मैं कुछ क्रैक कर सकता हूँ, आई डोंट नो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं, लेकिन करके देखते हैं भाई। जब तक हम चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। लेट्स गो, ये हो गया, अभी मुझे ये सीडी इसके अंदर लगवानी है। भाई क्या हो रहा है ये, या ई टू इंसर्ट, इंसर्ट कर दी मैंने एंड अभी ये अंदर चला जाएगा। तो भाई इससे कुछ ना कुछ तो होगा यार, ज़रूर होगा, क्योंकि अभी इसके अंदर एक सीडी चली गई है। अभी इसको क्लोज करते हैं एंड फिर से एक बार मैं ओपन करके देखता हूँ क्या करना है। सीएमडी वेलकम टू द कमांड प्रोसेसिंग, इंटर वैलिड कमांड। अभी भी ये इंटर वैलिड कमांड मतलब वैलिड कमांड ही दिखा रहा है। एक सेकेंड। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ज्वाइंट सर्वर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ज्वाइंट सर्वर भी तो लिखा है। सो जे ओ आई एन, एक सेकेंड भाई स्मॉल में लिखना है, जे ओ आई एन एस ई आर वी ई आर, एंड इसके बाद मुझे आई गेस ये कमांड यहाँ पर डालनी है स्पेस दबा के। सो आई गेस अभी हो जाएगा 146.35.102.54। Yes, हो गया। Oh, wow. तो okay, देखा क्रैक काम कर रहा है। तो मुझे भाई ज्वाइंट सर्वर लिखना था वहाँ पे, तो अभी देखो यहाँ पर ये गेम्स है, तो अभी आई गेस मैं इन गेम्स को क्रैक कर सकता हूँ। क्रैकेबल गेम्स, माई क्रैक्स, अभी तक मैंने कुछ क्रैक नहीं करा है। हाउ टू क्रैक, फॉर एग्जाम्पल सेंड पैकेज, सेंड पैकेज, और यहाँ पर एक क्रैक डालना है एंड पैकेज काउंट 50 पोर्ट। वंस यू फाइंड द राइट पोर्ट यू ऑल हैव टू डू इज क्रैक इट। ओके आई गेस मैं यहाँ पे ये गेम्स को क्रैक कर सकता हूँ। तो सबसे इजी ये है, लीग ऑफ डॉट्स, आई डोंट नो ये क्या है, बट एक बार ना सबसे पहले ये रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते, बट एक बार ये चीज़ करके देखते भाई, मज़ा आ रहा है इसको, आई मीन करने में मज़ा आएगा इसको। तो क्रैक या ये भी इजी है, बीन ऑफ इजी बेबी, बट ये करते हैं। आई गेस इसका आईडी ये है, तो मुझे ये आईडी वहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाके मैं इस गेम को क्रैक कर पाऊंगा। तो इसको भी फोटो निकाल लेते, नहीं फोटो निकालने की क्या ज़रूरत है, मैं इसको क्या मिनिमाइज नहीं कर सकता मैं, हाँ हो सकता है ये मिनिमाइज हो सकता है। सबसे पहले भाई रिक्वेस्ट अप्रूव करो, तो बहुत सारी आई है, अप्रूव अप्रूव, वेरी गुड। एंड अभी मुझे यहाँ पे आईडी डालना है, आईडी कैपिटल में, आईडी के बाद डबल कोलन, कमांड नॉट फाउंड, व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, कमांड नॉट फाउंड बोल रहा है ये। आई गेस भाई ये बहुत मुश्किल का काम है भाई, अभी ये चीज़ हम बाद में करेंगे, अभी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट अप्रूव कर दो। एंड आज हमको भाई वो मैंने जैसे बोला था कि भाई हमको वीआईपी रूम में एक तीन डिस्प्ले वाला एक ये लगवाना है, पीसी लगवाना है, तो इसके लिए अभी हम एक टेबल बाय करेंगे और एक नया पीसी बाय करेंगे। सो लेट्स गो, अभी कंप्यूटर कैसे सबसे महंगा वाला ऐड टू कार्ट कर लो, ये हो गया एक आ गया। एंड देन इसके बाद हमको एक चेयर भी चाहिए, चेयर कौन सी लूँ मैं भाई, ज़रा फैंसी चाहिए यार, मतलब यू नो ये ब्लू नहीं है मेरे पास, तो ये ब्लू बाय करते, अभी तक मैंने ब्लू चेयर कभी बाय नहीं की है। एक कीबोर्ड चाहिए सबसे महंगा वाला ऑब्वियसली, ये गेमर कीबोर्ड आ गया। देन इसके बाद मॉनिटर्स चाहिए, तीन मॉनिटर चाहिए, तो सबसे बड़ा ये, तो 1 2 3 तीन मॉनिटर्स आ गए। देन एक माउस चाहिए, माउस ये वाला सही है। देन माउस पैड, नहीं माउस पैड की ज़रूरत नहीं यार, है लगाते अभी, एक सेकेंड में माउस पैड ना दूसरा लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ मैं, ये वाला कैसा लग रहा है, ये वाला एक बार मतलब चेंज करके देखते हैं। देन इसके बाद हमको एक डेस्क चाहिए, जो बड़ा वाला डेस्क जिसके ऊपर तीन हो मतलब फिट होने चाहिए, तो ये वाला मुझे सही लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर तीन फिट हो जाएंगे, तो ये वाला परचेस करते हैं। या ये वाला भी सही है, ऐसा कर्व है, सो दैट्स व्हाई पर तीन डिस्प्ले इजिली फिट हो जाएंगे। और कौन सा एक बार देख लेता हूँ मैं, ये भी है भाई स्पेस, बट ये वीआर टेबल है, ये वाला सही है, यही वाला परचेस कर लेता हूँ मैं। एंड आई गेस हो गया 9 चीज़ें, $10,000, ओके ऑर्डर हो गए। और अभी हम वहाँ पे तीन पीसी लगवाएंगे, आई मीन तीन डेस्क वाले पीसी, और टिप आइए थोड़ी सी सबसे पहले। अरे यार क्या हो रहा है ये, पैसे दे दो यहाँ पे, अरे बहुत सारे लोग आ रहे हैं भाई, क्या हो रहा है ये, टिप $35 की टिप है। एंड अभी थोड़ी देर के लिए ये स्प्रे छिड़क देते हैं, क्योंकि भाई बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ये स्प्रे खत्म हो गया, दूसरा स्प्रे लगवाना, अरे मेरे पास एक और भाई बीटीसी माइनर है, मुझे यार लगवाना पड़ेगा यार उसको वहाँ पे, मैं भूल गया है कि उसको लगवाना। भाई ऊँट भी आ गया भाई हमारा, वो डिवाइसेस लेके ऊँट आ गया, लेट्स गो। ये स्प्रे छिड़क के हो गया, वेरी नाइस, उसको हम रखेंगे अभी यहाँ पे। थोड़ा सा टेम्परेचर एक बार चेक करते हैं, वार्म दिखा रहा है। ओ एक सेकेंड, यहाँ पे किसी ने कुछ तो चुराया है क्या मेरे को, सा लग रहा है भाई, अरे हट जाओ यार, किसी ने कुछ तो चुराया, वही वो पैकेज वगैरह कहीं पर गिरा है क्या, क्योंकि वहाँ पर कुछ तो नहीं है, कुछ तो मिसिंग पार्ट है भाई वहाँ से। अट जाओ क्या, अरे यार ये हर बार नीचे कैसे गिर जाता है भाई, क्या लोग पागल है यहाँ के,
डिस्प्ले चोरी नहीं, ये नीचे गिरा है भाई फिर से एक बार, इसको किसी ने नीचे गिरा दिया यार, क्या पागल पगलेट लोग है ये गेमर वीआर यार, इसको रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक सेकंड, इसको ना मैं बेच देता हूँ, मेरे को ये नहीं चाहिए, बकवास। मतलब इसकी वजह से ना सारा लुक ख़राब हो जाता है इसका। और ये वीआर टेबल यहाँ पे, ये इसको उठाऊँ एंड ये रहेगा इस तरफ यहाँ पे, परफेक्ट। अब ये डिस्प्ले चालू हो जाएगा एंड यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई ये बहुत अजीब लग रहा है। नाइस या अभी रिक्वेस्ट आई है, सबसे पहले अप्रूव कर देते हैं एंड वो हमारा नया पीसी भी आ चुका है तो मुझे वो भी ऊपर लगवाना है। अप्रूव वेरी नाइस एंड अभी देखते हैं मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं। 300 आ गए, यस 300 आ गए, तो इसका मतलब अभी मैं बिट्टी सी माइनर वाला थर्ड लेवल ले सकता हूँ। अरे इसके लिए सबसे पहले मुझे गैम्बलर लेना पड़ेगा, देन थर्ड वाला लेवल आएगा। फिजिकल में है क्या भाई कुछ? पंच, इनोसेंट, हैमर, बॉडी, ट्रेन, नहीं मुझे सबसे पहले ये भी ही लेना पड़ेगा और इसके बाद ये आएगा। अभी मेरे को और 100 पॉइंट्स की ज़रूरत है तब जाके ये चीज़ हो पाएगी। तीन रिक्वेस्ट अप्रूव, हाँ वेरी गुड, ये अप्रूव हो गया एंड अभी हमारा जो सारा सामान है वो आ चुका है, सो दैट्स वाई अभी मैं उसको उठाता हूँ। अरे रुक जाओ यार, ये भाई ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या है? मॉनिटर, या मॉनिटर हमको चाहिए, तीन मॉनिटर्स की ज़रूरत है, लेट्स गो। ये अरे आगे तो चल, सबसे पहले टेबल उठाओ क्योंकि हमको सबसे पहले नीचे टेबल लगवाना है। हाँ ये टेबल मेरे को थोड़ा सा तो सही लगता है क्योंकि यार इसके ऊपर तीन मॉनिटर्स इजीली फिट हो जाएंगे। तो ये और एक मॉनिटर आ गया एंड देन मेरे को और एक मॉनिटर चाहिए, या अभी हम इनको लेकर चलेंगे, लेट्स गो। एक सेकेंड, एक बंदा पैसे दे रहा है सर, वेरी गुड। अभी हमको सबसे पहले ऊपर, सबसे पहले यार तुम लोग नहीं चाहो, मेरे को ऊपर बाद में जाने दो। ये बंदा यहाँ पर सेकंड इसको अप्रूव करने दो सबसे पहले, नहीं तो भाई वो बंदा फिर से एक बार पीसी को ख़राब करके यहाँ से चला जाएगा। और ये हम आ गए ऊपर, अभी यहाँ पे हमारा बीच में सबसे पहले ये मॉनिटर को मुझे यहाँ पर रखवाना पड़ेगा और उसके बाद ये टेबल लगेगा यहाँ पर बीच में एंड अरे लग जा भाई, एक सेकेंड, इसको घुमवाना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे, रोटेट, डन, या एकदम नहीं ये बीचों बीच नहीं लगा अभी भी, इसको उठा के, अरे उठा ना ये यहाँ पे एग्जैक्टली इसके बीचों बीच लगना चाहिए। नाइस, अभी आई गेस एग्जैक्टली बीचों बीच ही है, यहाँ बीचों बीच है एंड अभी ये मॉनिटर्स यहाँ पे लगेंगे। इसको घुमाओ थोड़ा सा, तीन मॉनिटर्स, अरे थोड़ा सा भाई ये तिरछा क्यों लगता है हमेशा, थोड़ा सा इधर हो जा, परफेक्ट, यस इसमें तीन इजिली फिट हो जाएंगे। ठीक है तो एक लग गया, ये दूसरा लगेगा, प्लीज़ यार तीन लगने चाहिए, प्लीज़ मेरे को तीन मॉनिटर वाला एक पीसी चाहिए। लग सकता है ये, यस वेरी गुड। और अभी तीसरा डिस्प्ले आएगा ऐसे यहाँ पे, प्लीज कनेक्ट होना चाहिए तीनों के तीनों। ओ भाई साहब भाई क्या तगड़ा लग रहा है ये। एंड अभी यहाँ पर बारी है ये माउस पैड, सबसे पहले यहाँ पे मैं लगवा देता हूँ। ये माउस पैड भाई अजीब लग रहा है, इसको ये सूट नहीं करेगा मेरे हिसाब से। एक सेकेंड थोड़ा सा इधर आओ, अभी नाइस, वेरी गुड। और अभी मेरे पास और क्या है? और कुछ भी नहीं, ये एक सेकेंड, सबसे पहले ये BTC माइनर में वहाँ पर लगवा देता हूँ क्योंकि भाई एक BTC माइनर मेरे पास ही है और भाई इसका फ़ायदा ही क्या दिन इसको ख़रीदने का। तो ये लगेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे, डन। और अभी इसको ऑन करना है, यही कोड है ऑन। अभी इसने भी काम करना शुरू कर दिया, सारे के सारे मशीन हमारी काम कर रही है। और अभी जाकर मैं सबसे पहले इनको रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता हूँ, इस बंदे से पैसे लो। अरे मैडम चली गई यार, वो मैडम की रिक्वेस्ट अप्रूव करनी रह गई थी। ओ माउस सर, माउस उठा लिया, वेरी नाइस। रिक्वेस्ट आई है क्या? ओ भाई चार रिक्वेस्ट आई है, ओ भाई सेकेंड अप्रूव ऑल द रिक्वेस्ट आर। भाई इस टैब की ओपन जाता है हमेशा, मतलब जैसे मैं टैब दबा देता हूँ ना कुछ ओपन हो जाता है। ओ ये फुटबॉल की गेम खेल रही है, बहुत सही। अभी सबसे पहले भाई इन लोगों को जाने देना पड़ेगा यहाँ से, ये लोग जब भी जाते हैं तभी मेरे को जाने का मौका मिलता है। निकल भाई, निकल ले, साइड हो जा, नाइस। तो सबसे पहले माउस लगेंगे यहाँ पे ऐसे, परफेक्ट, ओके। और अभी कीबोर्ड लगेंगे, इसको घुमाओ थोड़ा सा ऐसे, परफेक्ट, यस। एंड अभी बस बारी है कंप्यूटर केस को लगाने का एंड ये लगाने के बाद में भी चालू हो जाएगा। एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड भाई, ये बीच में फिट होगा भाई, ये कितना प्यारा लग रहा है। एक सेकेंड, इस चेयर को लगाने के बाद सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और तीनों डिस्प्ले में भी चालू हो जाएंगे। अरे नहीं, एक सेकेंड, क्या हो रहा है? अभी कुछ तो बाकी है भाई, सारी चीज़ें तो हमने लगवा दी, ये क्या हो रहा है? ओके चेयर में भी इसके पास नहीं है, तो थोड़ा सा चेयर सामने की तरफ और थोड़ा सा सामने लगाना पड़ेगा क्या इस चेयर को? एक सेकेंड, ये कंप्यूटर केस को दिन में भी यहाँ पर लगवा देता हूँ ऐसे, कंप्यूटर केस, या थोड़ा सा अंदर जा सकता है कंप्यूटर केस। और अभी चेयर थोड़ी सी अंदर जाएगी तो मे भी हो जाएगा। व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या काम क्यों नहीं कर रहा है भाई?
ये डिस्प्ले निकाल के देखता हूँ मैं अभी, अगर मैंने फिर से एक बार लगा दिया तो। हाँ अभी इसमें लाइट आ गई भाई। तीनों को यार काम करना तो चाहिए यार, प्लीज़ यार कनेक्ट हो जाए इससे। यस, नहीं ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, मतलब सेटअप तो तैयार हो गया तीन मॉनिटर्स का, बट ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने सही तो लगाया है ना, या मैंने सही तो लगाया है इनको भाई, आई डोंट नो वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, बट ये काम तो करना चाहिए। मैंने देखा यार ये चीज़ काम करती है। अभी मैंने चेयर हटा दी फिर भी इसमें कनेक्शन है भाई, क्या क्या बकवास है ये। फिर से एक बार लगा के देखता हूँ मैं यार, प्लीज़ यार काम हो जाए यार, मतलब काम कर जा। यहाँ पे ऐसे एक सेकेंड, ये बीच वाला जो मॉनिटर ना उसको मैं थोड़ा सा आगे लगा देता हूँ भाई। यार ये तो चालू हो जाए यार, एक सेकेंड, माउस नीचे गिरा है, माउस नीचे गिरा है माउस। चेयर थोड़ा सा साइड में हट जा, एंड ये माउस को रखवा देंगे हम यहाँ पे ऐसे। मे बी अभी हो जाएगा, हो रहा है बस ये थर्ड डिस्प्ले चालू नहीं हो रहा, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। बट फाइनली हमारा जो वीआईपी रूम है वो कंप्लीट हो चुका है। देखो अभी यहाँ पे वीआईपी सेटअप है भाई, सही है, बहुत सही है। वैसे मैं यहाँ पे ना ऐसे दो पीसी लगवा सकता हूँ मैं, मतलब दो रहेंगे, बट ये बीच वाला ही सही लग रहा है मेरे हिसाब से। ये सही है। एंड अभी मैं काम करता हूँ, अभी ना बाकी के ये सेम कंसोल वाले डिस्प्ले में यहाँ पे लगवाऊंगा, एंड इसके साइड में ये वीआर वाले लगेंगे। या यहाँ पे जैसे कंसोल है वैसे ही कंसोल यहाँ पे लगेंगे, वो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो एक काम करता हूँ मैं, इसके जस्ट साइड में ये मैं शिफ्ट करवा देता हूँ मैं। ये वीआर टेबल्स चार होने चाहिए टोटल चार बैठने चाहिए, तो या मैं टोटल चार यहाँ पे लगवा दूंगा। सो एक सेकेंड, मैं वीआर के लिए ना ये ऐसे तिरछा रखूँगा इसे बीच में। ऐसे ही अच्छा लगेगा। इसको उठाओ, इसको रखो यहाँ पर बीच में ऐसे, एंड देन अभी बारी है कंट्रोलर्स की। हो गया, ये थोड़ा सा तिरछा नहीं, सही है। ये इसके बाजू में भी सही लग रहा है, आई थिंक ये सही लग रहा है। और ये जो दूसरा टेबल है इसको भी मेरे को उठा के इसके साइड में लगाना पड़ेगा यहाँ पे। एक सेकेंड, मेरे हिसाब से ये कमरा इस तरफ बड़ा है और इस तरफ थोड़ा सा छोटा है। और ये आखिरी कंट्रोलर लगेंगे यहाँ पे ऐसे, इसको रोटेट करेंगे, एंड हो गया एक और सेटअप हमारा वीआर का तैयार हो गया। बट इसमें भी भाई तीनों की तीनों हमारे स्प्रेस खत्म हो चुके, तो मुझे थोड़े से और बाय करके लेकर आने पड़ेंगे। मेरे पास जो फालतू का पड़ा है ना इसको भी मैं बेच कर आता हूँ, कैंस को बेच के आता हूँ। एंड दो तीन चीज़ें मेरे पास पड़ी है, वो कीबोर्ड वगैरह वो भी मुझे बेचना है, आई मीन कीबोर्ड पैड। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ये लो ये बेच दो, बेसबॉल बैट भी बेच दो, मैं फिर से एक बार नया खरीद लूँगा। अरे क्या ओपन हो जाता है यार इस टीम का। और अभी मुझसे एक बेसबॉल बैट खरीदना है, इसको अपने इन्वेंटोरी में रख दो ऐसे करके, वेरी गुड। एक बेसबॉल बैट, दूसरा स्प्रे, इसको हम रखेंगे यहाँ पे, एंड देन एक और इसको बाय करते हैं, इसको रखेंगे यहाँ पे ऐसे, वेरी गुड। एंड अभी मुझे ये भी बाय करना है कि भाई कभी अगर आग लग गई तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ अभी मैंने ये सारी चीज़ें बाय कर ली, लेट्स गो। फिर से एक बार चलते हैं शॉप पे, आ गया पैसे, थैंक यू सो मच सर, गिव मी दैट मनी। टिप भी आई है, अभी स्प्रे को छिड़कते हैं एकदम चकाचक, अच्छी स्मेल आएगी यहाँ पे अभी, वेरी नाइस, वेरी गुड। ऊपर भी जाके थोड़ी सी स्मेल लगा देते। अरे तेरे मुंह में लगाओ क्या अभी पागल। और अरे ये किधर भाग रहे हैं सर, किधर भाग रहे हो आप। अरे ये फिर से एक बार आएगी, इधर अटक गया है अभी, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता इस बंदे का। अरे ये इधर किधर चल रहे हैं, ये पागल तो नहीं है ये। ओ नहीं नहीं नहीं, मेरे पीसी को कुछ मत करना भाई, वो वीआईपी सेटअप है। आउच, अरे यार ये क्यों पागल यार, ये बहुत पागल लोग है। अभी मुझे फिर से एक बार इसको यहाँ पे लगवाना पड़ेगा, ये उठाओ इसको, नाइस ये लगवा दिया मैंने, परफेक्ट भाई बहुत सही। एंड ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है भाई, वहाँ का भी आई गेस नीचे का कुछ पंगा हुआ है, कुछ तो डिस्कनेक्ट हुआ है कहीं पर, तो यहीं पर, यहाँ पर कुछ तो डिस्कनेक्ट क्या हुआ है भाई, सब तो है आई गेस, चेयर इधर उधर हो भाई, ये कौन हिलाता है ये चीज़ें, मेरे को सही में समझ नहीं आता है। ओके मॉनिटर हिला हुआ है आई गेस थोड़ा सा पीछे, हाँ अभी ठीक है आई गेस, किसी ने हिलाया था भाई यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप आया है। तो इसके बाद हमको ज़रूरत है कंसोल टेबल्स की, तो कंसोल वाला ये दो टेबल चाहिए हमको, कंसोल वाले। देन इसके बाद हमको दो टीवी चाहिए, दो टीवी बाय कर लिए, एंड देन उसके लिए कंसोल के लिए और क्या लगता है भैया, ये चाहिए कंसोल्स चाहिए होता है कंसोल के लिए। तो इस बार मैं कौन सा लूँ, मैं मेरे पास एक्सबॉक्स है, प्ले स्टेशन है, ये गेम स्टेशन 4 है। ओके काम करता हूँ, प्ले स्टेशन ही दो बाय कर लेता हूँ, प्ले स्टेशन दो मैंने 5 बाय कर दिए गेम स्टेशन वाले। एंड और इसके लिए चेयर चाहिए होती है, चेयर मैं गुलाबी मंगवाता हूँ, ये सही रहेगा मेरे हिसाब से, तो बाय कर देते भाई। $57,000 है, 3 मेल्स आई है,
इसने ही भेजोगे भाई बाउंसर में, बाकी कोई तो मेल भेजता नहीं है। रिक्वेस्ट आई है सबसे पहले उस चोर को यहाँ से मैं भगवा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर अंदर आ सकता है। निकल निकल इधर से पागल चोर। हाँ ये थोड़ा सा स्प्रे यहाँ पर मैं छिड़क देता हूँ भाई। इतनी यार इस बार यहाँ पर हर बार ये ऑटोमेटिक नहीं क्या कोई सिस्टम यहाँ पे स्प्रे को छिड़कने के लिए, हर बार मेरे को ही करना पड़ता है। अभी देखो अभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ रही है बिकॉज यहाँ पर अभी अच्छी स्मेल आती है। दो रिक्वेस्ट आई है, अप्रूव करते ओपी बोलते नाइस। एंड वेट अ मिनट, एक और चीज़ ये तो हमने देख लिया, एक और चीज़ करनी है मुझे ऊपर वाले कमरे में थोड़े से एसी लगवाने, क्योंकि वहाँ पर एसी नहीं है। तो मैं कितने चार एसी मंगवा लेता हूँ मैं, एंड थोड़ी से मुझे लाइट्स भी मंगवानी भाई, क्योंकि ऊपर वाले कमरे में मैंने लाइट्स लगवाई। तभी मैं सोचूँ कि कुछ तो बाकी रह गया है, तो ये सीलिंग लैम्प ये वाला भी सही है, ये वाला कितने चार मंगवाता हूँ। सबसे पहले इससे पैसे ले लेते हैं, थैंक यू सो मच सर। और अभी ये भी आ जाएगा $6,000। ओके वो ऊँट आ गया, वेरी नाइस। अरे हट जाओ यार ये चोर, ये क्यों आता है यहाँ पे हमेशा भाई, तेरे को समझ नहीं आता। बॉडीगार्ड, गेम स्टेशन कंसोल, ये क्या है चेयर, ये चेयर नहीं, मेरे को सबसे पहले टेबल उठाना था। टेबल कहाँ पे रखा है गेम स्टेशन पर? अरे मैंने टेबल बाय नहीं करा क्या? बस कंसोल सी है, गेमिंग चेयर टीवी। एक सेकेंड, टेबल में भी नीचे, या ये रहा टेबल। तभी मैं सोचूं मैंने टेबल ऑर्डर करे थे, ठीक है कंसोल टेबल, या ये दो टेबल्स आ गए। और इसके बाद हमको जरूरत है कंसोल की, ये गेम स्टेशन 5 आ गया, एक और गेम स्टेशन 5 कंसोल, अरे ये टीवी। ओके कोई बात नहीं, इस टीवी को भी यहाँ पर मैं उठवा देता हूँ। ऐसे तू निकल इधर से चोर कहीं के। अरे ये लोग यहाँ पर जब उठते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा क्यों भाई? तेरे को उठना नहीं आता क्या पागल कहीं के? ठीक से तो इसी ने नीचे गिराए थे, मेरे को लगता था यार कि हर बार यहाँ पर चोर आता है। अरे नहीं यार वो लोग पागल है, लोगों को भाई ठीक से मतलब यूज करना भी नहीं आता, पागल कहीं के लोग। तो देखो इसने फिर से एक बार इसको नीचे गिरा दिया था डेस्कटॉप को, तो मुझे मे बी चेयर को ना थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए, या मैं चेयर को थोड़ा सा ना पीछे रखवा देता हूँ ऐसे, ताकि लोगों को उठने में आसानी हो। ये यहाँ पे ये माउस, ओह ये बहुत एनोइंग चीज है भाई। हाँ अभी ये फिर से एक बार चालू हो गया, अभी सारे के सारे डिस्प्ले चालू है ना, सारे डिस्प्ले चालू है। इसको पैसे दे दो, लाइट्स तो मैंने ऑन ही रखी है। या अभी सबसे पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर जाकर नताशा ऊपर भी जाती है। ओ ये ऑर्डर लेकर भी ऊपर भी जाती है यार, हटे जाओ यार। देखो इसने मंगवाया था भाई, किसने VIP रूम में किसने तो मंगवाया, इस लड़के ने मंगवाया था। ये लड़का अभी यहीं पर भाग रहा है भाई क्या दिक्कत है इन लोगों की भाई, यहाँ पे क्यों भाग रहे हो यार, यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता नहीं है भाई, पागल लोग है ये सीरियसली। अभी सबसे पहले कंसोल मुझे यहाँ पे लगवाने, एक कंसोल टेबल लगेगा यहाँ पे, यही पे लगेगा, परफेक्ट। दूसरा लगेगा यहाँ पे जिस पर PS5 होगा, या कितना गैप बचा है, या इसको थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेंगे ऐसे, या परफेक्ट। और अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे PlayStation 5, नहीं टीवी, सबसे पहले टीवी लगाएंगे यहाँ पे, नाइस। और अभी एक PlayStation, हाँ वेरी नाइस, ओ यस अभी ये अच्छा लगेगा। अभी फिर से एक बार चलते हैं एंड बाकी का सामान लेके आते हैं, लेट्स गो। एक सेकंड भाई, ये ओ मैंने लाइट्स मंगवाई थी सबसे पहले भाई, बट मुझे यहाँ पर ये गेमिंग स्टेशंस लगवाने हैं, ये यहाँ पे, देन एयर कंडीशनर। ओ एयर कंडीशनर भी आ गए, वेरी गुड। बट यार मुझे सबसे पहले ये लगवाने थे कॉन्सोल्स अपने, गेमिंग सीलिंग लैम्प, एयर कंडीशनर, गेमिंग लैपटॉप, एयर कंडीशनर, सीलिंग लैम्प, ओके ये भी ले लेते हैं, और कुछ कंसोल टीवी, और ये और एक टीवी आ जाएगा, वेरी गुड परफेक्ट। और अभी बस बारी है इनको लगाने की, चेयर्स को लगाने की। भाई मैंने जॉयस्टिक्स ऑर्डर नहीं करी क्या? कंट्रोलर्स, वो मैंने कंट्रोलर्स ही बाय नहीं करे, तो मुझे थोड़े से कंट्रोलर्स भी यहाँ पर बाय करने पड़ेंगे। एंड ये लकड़ी थोड़ी सी पुरानी आई है क्या भाई? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है पुरानी वाली लुक है, बट ये थोड़ा सा मुझे पीछे लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ज़रा सामने हो गया है। हाँ अभी कितना गैप है? अभी सही है, अभी एकदम परफेक्ट है ये यहाँ पर। और अभी बस एक और चेयर को हमको लगाना है यहाँ पर ऐसे, डन यस। ये इसका कलर ओके चेंज होता है, अगर हम इसको दूर से देखेंगे तो ये चेंज हो रहा है। एंड अभी एक और प्ले स्टेशन लगेगा यहाँ पे ऐसे, डन। और भाई ये चेयर मैंने उल्टी लगाई है, इस चेयर को घुमाना पड़ेगा, नाइस वेरी नाइस। और अभी बारी है यहाँ पर एक सीलिंग लैम्प लगाने की, तो सबसे पहले लैम्प लगेगा। अभी सीलिंग लैम्प हाथ में तो ले,
ओके मैंने ये बेसबॉल बैट लिया था, तो यहाँ पर एक लगाते हैं सीलिंग वाला लैम्प। वेरी नाइस, अभी एक इसको एक अच्छी लुक आ रही है। और क्या था, और एक एसी था, या एसी भी लगवाना है भाई मुझे, तो एक एसी लगेगा यहाँ पे। F2 एक्सेस ऑटो टेम्परेचर क्लोज, वेरी गुड वेरी गुड। और ये भाई ये बंदे को अगर मैंने मारा तो ये मेरा सारा का सारा सेटअप तहस नहस कर देगा, इसलिए मैं इनको भाई कुछ कहने नहीं वाला, अभी जो करना है वो करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हटना साइड में पागल, वो भी मेरे पीछे तो आएगा सबसे पहले। अभी ये डंडा अपने हाथ में लो, उस बंदे को भी सबक से आ जा भाई, आ जा आउच। तो भाई तेरे को चलना नहीं आता ठीक से, आउच मर गया। ये एक और सीलिंग लैम्प, लेट्स गो। आई गेस मैंने सीलिंग लैम्प चार मंगवाए थे, ये एक और एयर कंडीशनर, वेरी गुड वेरी गुड। और अभी ऊपर के कमरे में सारे के सारे एयर कंडीशनर्स लग जाएंगे भाई, चल जल्दी से ऊपर। तो अभी यहाँ पे एक और लगेगा यहाँ पे ऐसे, परफेक्ट। अरे लगा उसको F2 ऑटो टेम्परेचर, परफेक्ट ये हो गया। एंड एक लगाऊंगा मैं यहाँ पे ऊपर, नहीं दो, यहाँ पे दो लगेंगे, एक इस कोने में, इसको भी F ऑटो टेम्परेचर क्लोज। एंड एक लगेगा यहाँ पे ऐसे, ये भी उठाओ यहाँ पे, एंड डन। यस अभी अच्छा लग रहा है, F2 ऑटो टेम्परेचर क्लोज, परफेक्ट। और अभी जो लाइट्स है इनको भी मैं यहाँ पर लगवा देता हूँ, सीलिंग लैम्प्स को। तो एक यहाँ पर लगाए तो दूसरा भी यहाँ पर लगेगा ऐसे, हाँ वेरी गुड। और एक बीच में, ये यहाँ पे आएंगे, बीच वाला भाई बीच कहाँ पे है इसका, बीच में, परफेक्ट भाई। अभी अच्छा लग रहा है सीरियसली, हाँ अभी ये एकदम VIP रूम लग रहा है। बस अभी यहाँ पर हमको कंसोल्स लगाने की ज़रूरत है, देन वो लगाने के बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। तो भाई एक बज गए, अभी एक बजने के बाद कोई कस्टमर आता नहीं है, बट अभी बस हमको कंसोल्स मंगवाने हैं, टोटल चार चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पर गए वो कंसोल्स, या जॉयस्टिक्स कंसोल वाले, 1 2 3 4 ऑर्डर कंप्लीट द पेमेंट। एंड अभी एक बार मैं ना जाकर देख लेता हूँ वहाँ पे कि भाई और भी हमारी बिटकॉइन माइनिंग वाली मशीन्स आ गई। अभी तक यार मैडम कब आएंगी आपकी मशीन से यार, प्लीज़ बताओ मुझे, ये वैसे क्या दिख रही है? ओ टाइटैनिक, डॉज टैनिक भाई, इसको हम डॉज टैनिक बोल सकते हैं, वहाँ पर वो डोज कॉइन या जो डोज वाला कुत्ता है वो भैया वो वहाँ पे है। वैसे पॉइंट्स कितने आ गए, 304। एक सेकेंड भाई देना, माइनर वाला जो है उसको एक्सेस, मतलब उस पर को एक्टिवेट कर लेंगे। यस माइनर 3, यस हाउ टू अनलॉक, भाई अनलॉक हो गया। तो यार अभी हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ चुकी है, तो अभी हम ज़्यादा डिवाइसेस बाय कर सकते हैं। तो मे बी अभी वो लड़की हमको ज़्यादा देगी, मतलब ज़्यादा डिवाइसेस देगी भाई। तो अभी काम करते हैं, अभी जल्दी से अपने शॉप पे अंदर चलते हैं भाई। ओ उठ भी आ गया कॉन्सोल्स लेके, वेरी गुड, हेलो सुल्तान सर। तब तक मैं यहाँ से पैसे उठा लेता हूँ, $36, ये 3 एंड ये 4। तो चारों के चारों कंट्रोलर्स आ गए, एंड इनको लेकर जाएंगे हम ऊपर और जल्दी से हमारे कंसोल सेट को कंप्लीट कर दे। ये दो लोग अभी भी यहाँ पर भाग रहे हैं भाई, क्या पागल लोग हैं ये, सीरियसली बहुत पागल है ये। एक लगेगा यहाँ पे, दूसरा लगेगा उसके साइड में, परफेक्ट। एक इसमें डिस्प्ले आ गया, और अभी इसकी बारी है, ओके एंड ये लगेगा, ओके हाँ वेरी नाइस। अभी देखो दो कंसोल्स के सेट इस तरफ है, दो कंसोल का सेट इस तरफ है, एक VR का सेट इस तरफ है, एक VR का सेट इस तरफ है, और बीच में हमारा सबसे प्रो सेटअप है यहाँ पर। सो अभी भाई इस चीज़ एकदम तमीज से हो रही है, एंड मे बी मुझे ना यहाँ पर थोड़े से लाइट्स वगैरह भी लगवाने पड़ेंगे, लेकिन वो हम अगले वाले एपिसोड में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज तो भाई बिटकॉइन का जो हमारा काम है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। और अभी एक बार मैं ना जाके देख लेता हूँ कि इससे कितनी माइनिंग हो रही है, मतलब 2% आई मीन 0.2% ये बिटकॉइन माइन हुआ था। सबसे पहले इनको अप्रूव कर देते हैं, बिटकॉइन वहाँ पे चलो, वहाँ पे क्या है क्रिप्टो करेंसी, अभी भी वो माइनस में ही चल रहा है, वो -5 क्या बकवास है, ये प्रॉफिट में कब जाएगा। एंड वैसे माइन कितना हुआ है, 0.7%। देखो अभी जो माइनिंग की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये जल्दी ही हमारे पास एक बिटकॉइन आ जाएगा, देन हम उसको सेल कर पाएंगे भाई। XRP ये सस्ता वाला, ये सबसे सस्ता वाला शेयर है, तो मैं ना इसके 100 शेयर्स बाय कर लेता हूँ, 1000 शेयर्स हाँ बाय कर लेते हैं भाई। अभी ये माइनस में चल रहा है, अगर इसकी प्राइस बढ़ गई तो भाई प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो या इसके मैं $500 में 1000 शेयर्स बाय कर लेता हूँ स्टीलर के, और अभी ये मेरे पास देखो आ गए 1000 शेयर इसके। तो ऐसी इसकी प्राइस अगर $1 भी बढ़ गई तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा हमको, $500 का भाई फायदा हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगी इसकी प्राइस। तो एंड रिक्वेस्ट अप्रूव, वेरी गुड। एक बार रेटिंग देख लेते हैं, I think it's nice. I don't care much. Give me 1 hour, I'll play. मुझे ना यहाँ पर थोड़ी सी पेंटिंग्स भी ऑर्डर करवानी है, तो एक काम करता हूँ मैं ना यहाँ से रैंडम पेंटिंग्स भी भाई मंगवा लेता हूँ, ताकि हम उनको अपने कैफे में लगवा सके, क्योंकि पेंटिंग जब होती है तो भाई अच्छा लगता है दिखने में। ये कार वाले भी सही लग रही है, तो मैं रैंडमली पेंटिंग्स ऑर्डर करवाती हूँ। ये भाई ये पेंटिंग्स नहीं है, ये भाई
सर वगैरह है तो ये हॉर्न्स वगैरह ये भी लगवा देते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी ये सारी की सारी मैं चीज़ें ऑर्डर करवा देता हूँ। ये लगाने से हमारा कैफे और भी ज़्यादा फैंसी लगेगा मेरे हिसाब से। रिक्वेस्ट अप्रूव, वेरी नाइस, ओके। अरे और एक, ओ भाई रुक जाओ यार, इतनी सारी रिक्वेस्ट। अप्रूव 34 ऑर्डर्स, वेरी नाइस। एंड अभी मैं थोड़ा सा ये स्प्रे ये भी ख़त्म ही होने वाला पता है मुझे। ओके ख़त्म हो गया, क्या दूसरा मेरे पास है? ये भी आई गेस ख़त्म हो चुका है, या ये भी एम्प्टी है, तो मुझे थोड़े से और मंगवाने पड़ेंगे। और थोड़ी सी दो रिक्वेस्ट आई है, इनको अप्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ की जो पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग्स को तो मैं लगवा सकता हूँ यार। ये पेंटिंग लगेगी यहाँ पे, जो पहले ही हमारे पास थी, जिनको मैंने यहाँ पर लगवाया था। ये वाली भी यहाँ से हटवा लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर इस कोने में कुछ तो लगेगा, यहाँ पर ये वाली पेंटिंग मैं यहाँ पर लगवा देता हूँ। यस, क्या भूत आ गया सर? इधर दे दो आप, अभी तक वो सुल्तान नहीं आया है। ओके आ रहा है, तब तक जब तक वो आ रहा है एक बार मैं देख के आता हूँ। BTC माइनर, नो देयर इज नो माइनर, पता नहीं कब आएगा बट आ जाएगा जल्दी। ये चोर, तू निकल इधर से तू, ये बहुत नालायक है। एंड ओ भाई कितनी सारी पेंटिंग्स आई है, लेट्स। ओ ये भाई ये क्या चीज़ है, सर है। ओह माय गॉड, ओ ये एक इसका सिर है, सिंग टाइप का सर है। तो ये यहाँ पे, ओ भाई हॉर्न भाई ये कितना ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। यस यस यस, इसको थोड़ा सा ना मैं खिसका देता हूँ। अरे उठा तो ले इसको भाई, या इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे, सही लग रहा है अभी ये भाई। अभी क्या फिर ना, मतलब ऐसा डेंजरस वाली फील आ रही है। क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर है, ये तो दीवार पे ही लगेगा नॉर्मल। सो गाइस फाइनली मैंने सारी की सारी पेंटिंग्स लगवा दी, आप देख सकते हो। और हमारा वीआईपी रूम भाई काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। एंड एक आखिरी पेंटिंग बची है, ये वाली नहीं, अभी भी नीचे आई गेस दो तीन और बाकी है। तो मैं ये भी रैंडमली ये आर्केड मशीन्स के यहाँ पे लगवा देता हूँ मैं। ये लगेगी यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ सामने की तरफ, हाँ ये यहाँ पे लगेगी एक। एंड आएगी सभी दो तीन पेंटिंग्स को उठाना और बाकी है, तो मैं जल्दी से जाकर उन पेंटिंग्स को भी लेकर आता हूँ। नहीं अभी भाई चार पेंटिंग और। ओ भाई ये तो बहुत बड़ा सींग है, ओ भाई ओ भाई ये सही लगेगा देन यार, और भी ज़्यादा। ये और पेंटिंग उठाओ, ये भाई और एक सींग मंगवाया था मैंने। ओके भाई ये बहुत डेंजर लग रहा है सीरियसली। ये एक और पिक्चर, ये पिक्चर मैं कैफे के क्या बाहर लगवा सकता हूँ? ऐसे नहीं, बाहर लगवाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। किचन के अंदर, हाँ ये वॉल वाली यहाँ पे, ये यहाँ पे अच्छा लगेगी। या ये गिटार की पेंटिंग है एक। एंड ये जो सींग है वो ऊपर वाले वीआईपी कमरे में ही मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता वहाँ पे भाई लग जाए। अरे साइड में हट जाओ, बट अभी यहाँ पर यार जगह ही नहीं है, मैं कहाँ पे लगाऊँ ये बड़े सींग? नहीं कौन सा सबसे बड़ा, ये वाला था ये। ओ भैया कितना बड़ा है, ओ भाई 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 भाई, क्या ये यहाँ पर फिट हो? नहीं यहाँ पर फिट नहीं होगा, ये यहाँ पर फिट हो रहा है बट यार ये सूट तो होना चाहिए ना इस दीवार। नहीं यहाँ पे, ओके यहाँ पे, ओ भाई यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जैसे लोग आए इसको डरेंगे भाई इस चीज़ को देख के। नहीं नहीं एक सेकंड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, हाँ ये हुई ना बात, यहाँ पे ये सूट हो रहा है। थोड़ा सा इसको तिरछा लगाना पड़ेगा, थोड़ा इधर बीच में, नाइस। अरे ऊपर चल के देखते अभी। ओ भाई अभी अच्छा लग रहा है। एंड मेरे पास और एक सींग है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है मे भी, तो ये मैं आसपास यहाँ पर कहीं पर लगवा सकता ऊपर। ओ यस लग गया। एंड एक सेकेंड, इसके जस्ट नीचे ही ये पेंटिंग होनी चाहिए परफेक्टली। ओ यस, ओ वेरी नाइस, ये थोड़ा सा ना नीचे होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा पेंटिंग इधर है, तो ये यहाँ पर इसके बीचों बीच लगवाऊँगा मैं। हो गया, ओ माय गॉड, अभी हम इस रूम को एग्जैक्टली एक वीआईपी रूम बोल सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो कितनी सारी डेंजरस चीज़ें हैं। सही भी यार बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला रूम यार। आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वाला रूम कैसा लगा। मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है, मतलब यहाँ पे देखो वो सिंक बीच में है और बहुत प्यारा लग रहा है। और ये आखिरी पेंटिंग है, इसको मैं कहाँ पे लगवा सकता हूँ? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अच्छी लग रही है मे बी। तो भाई वीआईपी रूम हमारा फाइनली पूरा हो चुका है, और अभी बारी आ चुकी है हमारे कैफे को बंद कराने की। एंड वैसे भी आगे सभी अंधेरा हो रहा है, या अंधेरा ही हो रहा है अभी। कैफे को मैं जल्दी से बंद करवा देता हूँ, हमारे पास अभी टोटल 75,000 डॉलर्स है। कैफे मैंने बंद करवा दिया, एंड पीसी को करते हैं शट डाउन, एंड लेट्स गो। हमने पावर ऑफ कर दी, लाइट्स को बंद करवा देते हैं और लाइट्स ऑफ कर दी। नताशा मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले दिन मिलते हैं। और ये चोर निकल इधर से, तू बकवास गधे कहीं के। एंड ये गैरेज बंद हो गया, चोर बाजार कैफे बंद हो चुका है। और आज का वीडियो भी बहुत सही था, बहुत सारी चीज़ें हमने अपग्रेड करी, हमारा वीआईपी रूम अभी तैयार हो चुका है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अगर कोई आइडिया सजेस्ट कर दो। ये हम अभी आ सकते हैं
घर पर जाएंगे थर्ड फ्लोर पे. लेट्स गो. यस फाइनली वीआईपी रूम तैयार हो चुका है और वहाँ पर बस वीआईपी लोगों को ही एंट्री मिलेगी. एंड भाई जब मैंने वहाँ पर पेंटिंग्स लगाई ना वो हॉर्न्स वगैरह, तब जाके वो और भी ज़्यादा वीआईपी, आई मीन अभी एकदम ऐसा पर्सनल फील वाली फील आ रही है उसको देख के. और हम ये घर पर आ गए, दरवाज़ा बंद कर दो एंड गुड नाइट. वेल दैट बीइंग सेड आज के लिए इतना ही था. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड मिलते हैं इसके अगले पार्ट में. गुड बाय.